एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जावा के बारे में पढ़ा था दैट इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज ऑब्स बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डायरेक्टली हमारे पास इस वर्ड में नहीं आई, उसके पहले एक और लैंग्वेज आई थी दैट इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी मे बी आपको नया नया है तो एकदम से लगेगा ये फंक्शंस कहाँ से आ गया, ये स्ट्रक्चर कैसे आ गया, लास्ट में तो हमने कुछ और ही पढ़ा था, एकदम से ये कहाँ से बीच में आ गया। ये इसलिए बीच में आ गया है क्योंकि इसकी अभी जरूरत है, और ये इसकी क्या जरूरत है ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। क्या है इस स्ट्रक्चर को देख के आपको लग रहा होगा कि क्या है कि यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिनका नाम हमने दिया है फंक्शंस। अभी ये समझो कि कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं। सेग्रीगेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं फंक्शंस के फॉर्म में। लेट सपोज फंक्शन ए, फंक्शन बी, फंक्शन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रियल वर्ड की बात करूं, एक मिनट, अगर मैं रियल वर्ड की बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, ये सेट ऑफ पीपल, लेट्स से 100 पीपल, 100 पीपल हैं। मेरे को क्या करना है, मैं इन इन सब को 3 फंक्शंस में जाना है। हम पार्टीज में जाते हैं, इनको 3 फंक्शंस में जाना है। 3 फंक्शंस हैं एक सिटी में और इन 100 लोगों को ही बुलाया गया है, लेट सपोज। और अब इनको डिसाइड करना है कि ये किस में जाएंगे। ये फंक्शन ए है, ठीक है, ये फंक्शन बी है और ये फंक्शन सी है, ठीक है। अब इनको इसमें जाना है तो क्या क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ लोग इसमें जाएंगे, कुछ लोग इसमें जाएंगे और कुछ लोग इसमें जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे फंक्शंस, ठीक, राइट। यही यहाँ पर हो रहा है पीओपी में। क्या हो रहा है, एक ग्लोबल डेटा 1 है, ग्लोबल डेटा 2 है, ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं फंक्शन ए, फंक्शन बी, फंक्शन सी में, और जो जहां पर जा रहा है वहां जाके लोकल हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई पहला बंदा है वो फंक्शन ए में गया तो वो फंक्शन ए का पार्ट हो गया, वहां का लोकल हो गया, ठीक है। अभी जब वो नहीं गया तब वो ग्लोबल था, वो बाहर का था, लेकिन जब वो फंक्शन ए में गया, वहां पार्टी में गया, तो वो वहां का हो गया, वहां के लिए लोकल हो गया, वहीं के लोग उसको आकर मिलेंगे जो उधर में प्रेजेंट होंगे उस पर्सन 1 से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, जो ग्लोबल डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फंक्शंस के थ्रू। अगर एक और समझे कि एक मेन प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको मैंने 2 फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया, फंक्शन ए बहुत सारे हैं, फंक्शन ए, फंक्शन 1 के 2 उसको भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, फंक्शन 2 को भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, और फंक्शन 3 और फंक्शन 6 का मिला के 1 पार्ट बना लिया, दैट इज फाइनल प्रोग्राम, फाइनल फंक्शन, दैट इज फंक्शन 6। कहने का बात ये, पूरी समरी की बात ये है कि पीओपी में क्या होता है, जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती थी उसमें क्या होता था, उसमें फंक्शंस पे काम होता था, इस पे फंक्शंस पे काम होता था। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे डेटा फ्लो करता है। ऑब्वियसली अगर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो हमें कोई ना कोई डेटा फ्लो करना है। वहां पर डेटा जो फ्लो हो रहा था, वहां पर जो डेटा फ्लो हो रहा था वो हो रहा था फंक्शन के थ्रू। अब यहाँ पर डेटा कैसे हो रहा है देखते हैं। फंक्शन इज शेयर्ड थ्रू फंक्शन ऑफ क्लासेस, डेटा इज शेयर्ड थ्रू फंक्शन ऑफ क्लासेस। डेटा ए है, फंक्शन ए में गया, डेटा बी है, फंक्शन बी में गया, डेटा सी है, फंक्शन सी में गया, डेटा इज शेयर्ड थ्रू फंक्शन ऑफ क्लासेस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में यूज कर सकती हूँ। कैसे, मेरे पास एक डेटा ए है, लेट सपोज 1 पर्सन जो था, फर्स्ट पर्सन था, उसका नाम ए है, वो फंक्शन ए में गया, ठीक है, और वहां जाके डेटा ए बन गया, दैट इज लोकल बन गया, ठीक है। वो गया फंक्शन सी में, उसी डेटा को मुझे शेयर करना है फंक्शन सी में, मान के चलो उसको फंक्शन सी में भी जाना है, तो यहाँ पर वो चीज पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पर मैं एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में यूज कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लासेस, और यहाँ पर जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं हम डेटा को, वहां पर क्या कर रहे थे एक पर्सन के थ्रू ट्रीट कर रहे थे, तभी वो एक ही फंक्शन का होके रह जा रहा था। लेकिन यहाँ हो क्या होगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह हम अपने डेटा को ट्रीट करेंगे। ऑब्जेक्ट पे तो हम कितने ही फंक्शन पे कर सकते हैं, अगर एक आलू है एक पोटैटो है, वो पोटैटो फंक्शन ए में भी जा सकता है आधा करके, फंक्शन बी में भी जा सकता है आधा होके, फंक्शन सी में भी जा सकता है। अगर रियल लाइफ की बात करें पोटैटो बहुत छोटी चीज हो गई। अगर मैं एक पंडाल की बात करूँ, आपको पता है बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वहां पर डेकोरेशन होती है, डेकोरेशन जब होती है तो डेकोरेशन में बहुत से बड़े बड़े वो आर्टिस्ट डेकोरेशन के लिए रंग बिरंगे कपड़े आते हैं, क्लोथ्स आते हैं। तो अगर मैं वो दर्जी के पास कोई बंदा गया कि भाई मेरे पास मेरे यहाँ फंक्शन है, मेरे को इतने साइज का वो चाहिए कपड़ा चाहिए, मेरे को इतने साइज का क्लोथ चाहिए पिंक कलर का, ठीक है, तो फंक्शन ए को उसी साइज का मिल जाएगा एक रोल से, वो का उतना नापेगा उसको मेजर करेगा कपड़े को, और लेट सपोज उसे 1 मीटर चाहिए, 1 मीटर फंक्शन ए को दे देगा, 1 मीटर इसको दे देगा और 1 मीटर इसको दे देगा। तो वही डेटा है वो अलग अलग तरीके से फ्लो हुआ, किसके थ्रू हुआ, क्योंकि वो जो जहां से डेटा फ्लो हुआ वो एक ऑब्जेक्ट था, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा गया और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग फंक्शन में, जिससे कि हर फंक्शन उसको उस डेटा को यूज कर सके, ठीक है। इसलिए हमने वो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, और यही जावा फॉलो करता है। वर्सेस पीओवी थोड़ा डिटेल में मैंने इस टेबल के थ्रू इन दोनों की जो डिफरेंसेस लिखे हैं जिसको हम समझ सकते हैं। मेनली इस पूरे लेक्चर का मतलब ये है कि आपको ये जो टेबल है इसमें से आपको समझ आना चाहिए कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है, क्या जरूर क्या कमियां ऐसी थी पीओपी में जिससे की वजह से हमें ऊप्स को लाना पड़ा, ऊप्स कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा, एंड ऊप्स को हम डिटेल में आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ऊप्स में क्या होता है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, ये हम पढ़ी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है डेटा हाइडिंग एंड प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी, ऊप्स में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती है। इधर इसका मेन फोकस ये होता है ऊप्स का कि जो भी डेटा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या मेन फोकस होता है, सिक्योरिटी कैसे मिलती है थ्रू क्लासेस, यहाँ पर क्लास होती है, यहाँ पर फंक्शन होता है। द पीओपी का मेन फोकस होता है कि बस जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो जाए, चाहे सिक्योर हो चाहे ना हो। इट फॉलोज द फ्लो चार्ट टू गेट टास्क डन। इट ओनली फोकस, जब पीओपी आई थी जो लैंग्वेज थे उस पर वही टूल्स थे जिससे कि हमारा काम हो पाए, लेकिन अगर मुझे अपने डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कोर्स एनरोल किया था तो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला था, तो उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को अगर वो पीओपी से करता तो क्या होता, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड हर किसी को पता होता। जब आप पासवर्ड डालते हो तो आपका वो पासवर्ड लिखकर नहीं आता है, डॉट डॉट करके आता है। क्यों आता है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। यही सिक्योरिटी थी जो मिसिंग थी पीओपी में। पीओपी भी क्या करता, आपका पासवर्ड तो स्टोर कर लेता, आपका पासवर्ड से आपको लॉगिन तो करवा देता, लेकिन ये जो सिक्योरिटी है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ये प्रोवाइड नहीं करता है। इसी वजह से हमको ऊप्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, एंड ऊप्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जिससे कि हम अपने डेटा मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज अ बॉटम अप अप्रोच एंड इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। एग्जाम्पल ऑफ ऊप्स क्या होते हैं, यहाँ पे C++, जावा, सीनेट, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज जो कि हमारी ऊप्स से बेस्ड है, और पीओपी पे सी, विजुअल बेसिक, फोर्टन, पास्कल, ये पहले लैंग्वेज यूज होती थी। सी लैंग्वेज अभी भी होती है यूज बिकॉज इट इज अ डायनेमिक लैंग्वेज, बट बाकी लैंग्वेज अभी हम इतनी यूज नहीं करते हैं क्योंकि, और पीओपी होती थी पहले। अब हम ज्यादातर आप देखोगे सॉफ्टवेयर में सिर्फ उस लैंग्वेज ही यूज होती है। दिस इज समथिंग, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इस लेक्चर के बाद हम सिर्फ ऊप्स पर फोकस करेंगे क्योंकि ऊप्स ही हमको पढ़ना है क्योंकि वो जावा बेस्ड है।
तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं उसके, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग.